हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक मज़े में। आई एम बैक विद द लेटेस्ट न्यूज़ इन बहरीन। और अब तक की जब सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो ये है कि ओमान ने वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है जीसीसी रेजिडेंट के लिए। यानी कि अगर आपके पास किसी भी जीसीसी, मतलब आप दुबई में रहते हैं, कतर में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, बहरीन में रहते हैं या सऊदीया में रहते हैं, अगर आपके पास वहाँ का वैलिड वीज़ा है तो आप ओमान ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि जिसको बोलते हैं ना स्टिकर, या बोलते हैं कि आपने साल का वीज़ा लगाया या दो साल का वीज़ा लगाया, आपके पास कोई भी वीज़ा है तो आप ओमान ट्रैवल कर सकते हैं। आपको कोई ओमान में एंट्री के लिए वीज़ा नहीं लेना डीसीसी रेजिडेंट्स के लिए, यानी कि जो बहरीन के अंदर रहते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, जिस तरह हमारे ये टेक्नीशियन वगैरह या दूसरे वगैरह, वो लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ओमान के अंदर एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ओमान ने अपने सारे बॉर्डर्स एयर और लैंड के खोल दिए हैं जो जीसीसी रेजिडेंट जिनके पास जीसीसी का वीज़ा है। और अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो लाइक शेयर और फॉलो तो बनता है, और लाजमी शेयर भी कर दीजिएगा, ज्वाइन कर दीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरी इस टिकटॉक आईडी के साथ। और फिर नेक्स्ट वीडियो तक लिए वेट एंड वॉच, टेक केयर, बाय।